प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्तर पर शांति के पहल सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन पर सुधारों पर होगी चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में आदिवासी किसानों को मिनी दाल मिल और बीज भंडारण टंकियों का किया वितरण। कहा, जल जंगल और जमीन बचाने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान। जयपुर को दो जिलों में बांटने की घोषणा का जयपुर के प्रबुद्ध जनों ने किया विरोध। मारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान के तहत हुए कई आयोजन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जयपुर पहले की तरह रहेगा एक। और प्रदेश में गर्मी का दौर जारी। अधिकांश स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार। चूरू सीकर नागौर सहित कुछ जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच कल ऐतिहासिक और आपसी मामलों से संबंधित द्विपक्षीय सहयोग प्रगति को लेकर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर शांति की पहल सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत भेजने के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा का धन्यवाद भी किया। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच शनिवार को टेलीफोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में परीक्षा की, जो कि ऐतिहासिक और आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में 12 चीतों को भारत में भेजने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने साथ ही इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के संदर्भ में ब्रिक्स में सहयोग सहित आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं राष्ट्रपति रामाफोसा ने अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके अलावा रामाफोसा ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वो अपनी भारत यात्रा के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। क्षमता निर्माण आयोग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधारों पर चर्चा होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना मजबूत करने के उद्देश्य से आज प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आज करीब सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित प्रकृति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। इसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के अधिकारियों सहित क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेने वाले हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होनी है, जिनमें हर प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और कंटेंट डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण के माध्यम से देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक रहे हैं। इस विजन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई, ताकि सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ जो भविष्य की जरूरतें हैं उनके अनुरूप प्रशासनिक सेवा तैयार हो। यह सम्मेलन इस दिशा में एक और अहम कदम है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अनुसूचित जनजाति उप परियोजना के तहत आदिवासी किसानों को मिनी दाल मिल और बीज भंडारण टंकियों का वितरण किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जनजाति क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जयपुर को दो जिलों में बांटने की घोषणा का जयपुर के प्रबुद्ध जन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान के तहत जगह जगह मंदिरों में आरती और पैदल मार्च के आयोजन किए जा रहे हैं। जयपुर जिला एक रखने की सरकार से मांग की जा रही है। इस बीच प्रबुद्ध जनों ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर को उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जाएगा, जयपुर जयपुर ही रहेगा। जयपुर राजधानी के रूप में पहले भी था और ऐसा ही बना रहेगा। देखकर इन लोगों ने इश्यू उठाया कि हमारे जो 250 वार्ड है वो 250 वार्ड एक साथ रहे, जयपुर उत्तर और दक्षिण नहीं हो, जयपुर जयपुर ही रहे और इनके साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी व्यापार मंडल सारे सब इनके साथ जुड़कर पहले भी आकर मुझसे मिले, तब भी मैंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था जयपुर जयपुर ही रहेगा। जयपुर की 50 लाख से ज्यादा की आबादी जो ये चाहती है कि जयपुर जयपुर ही रहे, जयपुर को जयपुर उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जाए। आज मैं फिर इन सबको भरोसा देता हूं, जयपुर एक रहेगा। 250 वार्ड जो है हेरिटेज और इसके ग्रेटर के दोनों एक ही रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जयपुर के लिए हम सब पार्टी से जाति से धर्म से राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर जयपुर के सम्मान के लिए पूरी सरकार हम सब सारे विधायक ये चाहते हैं कि जयपुर एक ही रहेगा। उन्होंने जिस दिन से ये बात शुरू उस दिन से जयपुर की जनता के साथ इस विषय पे उन्होंने ताकत दी और उन्होंने आश्वासन भी दिया और समय समय पे आपके वक्तव्य भी आए कि जयपुर एक है और एक रहेगा। ये सबका एक सामूहिक प्रयास था कि हम जयपुर को टूटने नहीं देंगे और प्रताप जी ने इस पर पहल करके आज यहाँ घोषणा भी करी और इसके पहले भी उन्होंने बोला है। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से जयपुर के ओटीएस में शक्ति संतुलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्ति संतुलन के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर संस्था की आशा दीदी ने कहा कि पर्यावरण और आध्यात्मिकता में गहरा संबंध है। प्रकृति को कैसे यूज करना है, अगर पुरुष आत्मा उसे ठीक रीति से निभाती है तब तो इस धरा पर जिसको हम कहें स्वर्ग बह रहता है। और जब कभी उसमें डिफिकल्टी आती है ऊपर नीचे होता है वही पृथ्वी वही प्रकृति हमारे लिए एक समस्या का कारण हो जाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम और पुलिस के स्पेशल दल ने जयपुर के चांदपोल बाजार में श्यामगढ़ हाउस स्थित एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त किया है। टीम ने मौके से 3000 लीटर नकली घी और 2000 लीटर तेल जब्त किया। इसके साथ ही नकली घी बनाने में काम आने वाली मशीनों को भी जब्त किया गया है। यहां पर कई नामी कंपनियों के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना कठिन नहीं है, इस कहावत को चरितार्थ किया है नागौर जिले के गोपालपुरा गांव में रहने वाले दिव्यांग छात्र हरिराम ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कला वर्ग के दिव्यांग वर्ग के परीक्षा परिणाम में पूरे 100% अंक हासिल करने वाले हरिराम ने अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हरिराम की सफलता पर सभी ने प्रसन्नता जाहिर की है। से ही अध्ययन करता था और नियमित रूप से अध्ययन करने के बाद ही आज मैंने जो है 12th में 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं और आगे जो है मेरा जो सपना है वह आईएएस बनने का है। जो ये मेरा एक ड्रीम नहीं बल्कि ये जुनून है, क्योंकि ये आईएएस बनने से ही जो है शेक्सपियर के साथ साथ इस दयनीय स्थिति से भी निकला जा सकता है
क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ अभी, और इस दौर से गुजरने के कारण ही मैं जो है मैंने ये विचार किया है कि मुझे एक आईएएस बनना है। तो मेरे वो बच्चे को यही बोलता था कि बेटा देख लो मेरा तो एक हाथ कट गया था, तो बेटा देख तू भी एक हाथ से थोड़ा विकलांग है और मेरा भी हाथ कटा हुआ है और तेरा मम्मी है तू बीमार रहता है, तो हमारी आज स्थिति अभी भी खराब है और आगे के भविष्य के लिए मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पांचवी तक पढ़ा हुआ हूँ। और बच्चा अगर बेटा तेरे को अगर नाम रोशन करना है माता पिता देगा और तुझे कुछ बनना है तेरी लाइफ में अगर तुझे कुछ चाहिए तो बेटा अगर पढ़ेगा तो तेरे लिए अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और को भी पढ़ने मिलेगी और हमारा गांव का भी नाम रोशन होगा, देश का भी होगा, विदेश का भी होगा, प्रदेश का भी होगा, राजस्थान में पूरा टॉपर आया तो टॉपर ही होगा। वो बच्चों पर तो उन्होंने चार बजे मुझे चाय बना देती, शाम का भी देती, और मैं सोतो तो मैं कौन सोती है कदा बैठ रहती, और मैं खेती बाड़ी का काम करूँ, स्कूल में खाऊ भी बढ़ाऊँ, और इनका पापा का एक हाथ कटा हुआ है, इन मैं कहती बेटा देख ले मैं की स्थिति और ये तन का ही करूँ है उसका सोच ले, वो कहते मम्मी तो घबरा मत मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊँ और ठाकुर नाम रोशन कर। तो इस बच्चे से काफ़ी अच्छी उम्मीदें थी बट ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 of 100 लाएगा, फिर भी स्टाफ मेंबर्स और बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मौसम, प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है, कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। इस बीच आज तड़के चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित जयपुर जिले के कुछ भागों में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी हवाओं के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली और गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियां कम ही रहेंगी, जबकि बिपरजॉय के प्रभाव से 14 से 15 जून को दक्षिण पश्चिमी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और 16-17 मई को राज्य में अनेक स्थानों पर आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल तापमान 42 डिग्री के आसपास कुछ स्थानों पर है, अधिकांश स्थानों पर 40 से नीचे है। अगले 48 घंटों बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होनी शुरू होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ हुई बातचीत, दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्तर पर शांति के पहल सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, सम्मेलन में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधारों पर होगी चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में आदिवासी किसानों को मिनी दाल मिल और बीज भंडारण टंकियों का किया वितरण, कहा जल जंगल और जमीन को बचाने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान। जयपुर को 2 जिलों में बांटने की घोषणा का जयपुर के प्रबुद्ध जनों ने किया विरोध, मारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान के तहत हुए कई आयोजन, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जयपुर पहले की तरह रहेगा एक। और प्रदेश में गर्मी का दौर जारी, अधिकांश स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार, चूरू, सीकर, नागौर सहित कुछ जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश।